बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज लेक्चर विल बी ऑल अबाउट डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बेसिकली जिस तरह आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं तो ऊपर लिखा आता है कि एंटर योर एज या एंटर योर नेम। अगर आप नेम 1 2 3 4 लिखेंगे वो कहेगा कि ये नेम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नम नेम कैन नॉट बी डिजिट्स, नेम कैन नॉट बी नंबर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ और लिख रहे हो, मतलब ए बी सी डी लिख रहे हो, ठीक है, वो कहेगा ए बी सी डी इज नॉट अ वैलिड मंथ। तो ये सारी की सारी होती है डेटा वैलिडेशन, इसको हम बोलते हैं, ठीक हो गया। इट मीन्स कि अगर आप नेम का जो कॉलम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप अल्फाबेटिकल वैलिडेशन डालेंगे, आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिक्स ही डाल सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं लिख सकते। वो आप इजीली कर सकते हैं, क्यों यहाँ 1 2 3 लिखेंगे वो आपको एरर दे देगा या मैसेज दे देगा कि द डेटर यू आर एंटरिंग इज नॉट वैलिड, ठीक है, वो वैलिडेशन उस तरह हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप उसके बाद आप उसको बता भी सकते हैं कि डाटा जो वैलिड डाटा होता है उसकी क्या मतलब कौन कौन सा डाटा आप डालेंगे तो ये वैलिड होगा, या मतलब फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत ही गंदी इमेज आई है, नजर नहीं आएगी। पेज नंबर अगर आपके पास बुक्स है तो पेज नंबर 108 निकाल लें, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली, पर मैं गलत, ये 9A यानी कि 1XA लिखा हुआ, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1XA, सेकंड में क्या लिखा हुआ है 1XC, इसी तरह। यहाँ पर सी है, यहाँ पर फिर बी है, फिर ए है, ठीक है। बेसिकली ये चीजें लिखी हुई हैं। अब हमने डाटा वैलिडेशन के अंदर क्या लिखा कि इन IXABC के अलावा आप यहाँ पर कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ वैलिड एंट्रीज क्या होंगी, IXA IXB IXC। इसके अलावा अगर कोई भी आप चीज एंटर करने की कोशिश करेंगे वो आपको एरर दे देगा सीधा सीधा कि भाई ये मसला है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि आया कि ये होता भी है। अभी मेरे पास नया वर्जन है, देखते हैं अब उसमें होता है या नहीं होता, ठीक हो गया। आगे टेलीफोन नंबर्स लिखे हैं, फिर उसके आगे एज लिखी हुई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने वैलिडेशन किसमें लगा दी, क्लासेस वाले जगह पर, क्लास में वैलिडेशन लगा दी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीजें लगा सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नाउ हाउ टू क्रिएट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वैलिड एंट्रीज इन द वर्कशीट दैट कंटेन्स द डाटा, ये इस तरह का डाटा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ क्लास कॉलम विदाउट द कॉलम हेडर, और फिर यानी कि आपने क्या करना है के? देखें, सबसे पहले आपने नीचे लिस्ट ऑफ वैलिड एंट्रीज लिख दी कि आपने फॉर एग्जांपल ये वाली चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ डालनी है, तो जो वाली वैल्यूज आपने एंटर करनी है इसके अलावा कोई और आपने एंटर नहीं करनी, या फिर जो वैलिड डाटा है उसको आपने सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन वाले रिबन पे गए, उसके कॉलम पे, उसके ग्रुप में गए, वहां पर उसको क्लिक किया, फिर उसके बाद ये इस तरह की चीज आई थी डाटा वैलिडेशन सेटिंग्स में। अलाउ क्या करना है, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, ये सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन लिख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसके पॉइंट्स पे आते हैं कि जो ही आप डाटा वैलिडेशन वाले ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये जो आपके सामने 3.88 के नाम से शो हो रहा है, ठीक है। नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो बिलो द एरो,
अब यहाँ पर जो अलाउ है इसमें क्या करना, आपने अलाउ क्या करना, ठीक है, क्लिक दिस। फिर उसके बाद आपने अच्छा एक क्लिक द बटन ऑन द राइट साइड बिलो सोर्स, देन द सेलेक्ट रेंज, आपने कौन कौन सी वैलिड एंट्रीज डालनी है और उसको आपने कर देना क्लोज, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाएगा सारा तो अच्छा, जो ये आप इधर इसको ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा कि डाटा कौन कौन सा वैलिड होना चाहिए, तो आप ये जो नीचे नहीं आपने लिखा हुआ लिस्ट ऑफ वैलिड एंट्रीज IXA IXB IXC, तो आपने सिर्फ इसकी इन तीनों को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना, तो ये आपको बता देगा कि हाँ ये वाला सिर्फ डाटा वैलिड है, इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यूज डालेंगे आप तो वैलिड नहीं होंगे। अच्छा एक और एग्जाम्पल आप देख लें, स्टेट्स वाला फोन नंबर वगैरह चल दे। फॉर एग्जाम्पल कि हम चाहते हैं कि जो डाटा एंट्रीज है एज में वो 13 से 17 तक होनी चाहिए, 13 से 17 या 13 से नीचे ना हो, 17 से ऊपर ना हो, 17 तक की और 13 तक की एजेस अलाउ करें, उसके अलावा अलाउ ना करें, ठीक हो, तो क्या करेंगे आप एज कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे, ये अगर मैं इसे आऊँ एक मिनट, ये वाला है, इसके अंदर एज कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, एज को छोड़कर मतलब जहाँ पर एज लिखा हुआ है AGE, इसको आपने छोड़कर इसके नीचे की जितने भी कॉलम्स हैं या जितने भी सेल्स हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने। फिर उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन वाले रिबन के ऊपर जाकर उस डाटा वैलिडेशन में क्लिक कर देना है, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पर आपने अलाउ के नीचे आपने क्या करना है सिलेक्ट होल नंबर, ठीक है। अब जब सिलेक्ट होल नंबर होगा तो वो फिर आपसे पूछेगा कि मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, ठीक है, तो आपने मिनिमम 13 लिख देना, मैक्सिमम 17 लिख देना। जब आप उसको अप्लाई करेंगे ओके कर देंगे तो फिर आप जो ही 13 से पीछे यानी 12 लिखना चाहेंगे, 10 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, वो आपसे वैल्यू नहीं लेगा, एरर दे देगा, ठीक होगा। ये इस तरह की कोई विंडो आएगी, उसमें आपने क्या कर देना है कि जो ही आप होल नंबर पे आएंगे तो डाटा पूछेगा कि बिटवीन होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बिटवीन मतलब 13 से 17 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड वैल्यूज होंगी, इसके अलावा जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो वैलिड नहीं होंगे, ठीक हो गया, आपने कर देना है ओके, ठीक है। अब इससे आगे मैं आपको आज थोड़ा सा और भी पढ़ाऊंगा, लेक्चर में इतना सिर्फ नहीं था क्योंकि सिर्फ डाटा वैलिडेशन ही नहीं है। अब इसी से आगे है प्रोटेक्टिंग वर्कशीट, ठीक है, ये हम इसका अपना प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक वर्कशीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, आप उसको लॉक कर दें, हिडन कर दें, उसको आप पासवर्ड लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी वर्कशीट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लोग जो हैं वो उसको देख सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक डाटा लिखा हुआ है और मैंने बच्चों के नंबर वगैरह उसमें एंटर किए और मैंने आप ही को दे दिए रिव्यू करने के लिए, बच्चों को रिव्यू करने के लिए दे दिए कि भाई आप लोग देखें इसमें नंबर में कोई गलती है, कोई मसला है तो आप बताएं सिर्फ मुझे, ठीक है। कुछ शरारती बच्चे भी होंगे, वो खुद ही अगर उनको एक्सेल इतना आता है जितना समझा चुका हूँ मैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसको एडिट करके तो खुद ही चेंज कर देंगे अपने नंबर, कोई फेल होगा बच्चों 20 नंबर कर देगा अपने, मुझे तो नहीं पता चलेगा कि हाँ ये हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, उस शीट को मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि कोई भी उसको एडिट नहीं कर सकता जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता होगा, ठीक है, जब उसको पासवर्ड पता चलेगा तो तब भी वो पासवर्ड लगा कर तो उसको एडिट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ अ शीट। अच्छा, शुरू शुरू में जब ये लेक्चर स्टार्ट हुए थे तो बच्चों ने मेरे से पूछा था, आप लोगों से किसी ने पूछा था कि सर ये जो ब्लू ग्रीन बॉक्स बने हुए आते हैं इनका क्या मकसद है, मतलब वो जो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो क्यों होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट, मैं जरा ये इसको एक्सेल की फाइल खोल लेता हूँ। अच्छा, ये वाली आपको मैं ये ले, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर था आप लोगों का, अच्छा इसके ऊपर से हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये देखे गुड बैड नॉर्मल न्यूट्रल वगैरह आप लोगों ने ये पूछा था कि ये क्या चीज है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली यही चीज होती है कि ये गुड है बैड है क्या है इसका,
ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कुछ वैल्यूज जो है वो आप हाईलाइट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बच्चों के नंबर्स वगैरह एंटर करता हूँ कुछ के, और मुझे मैं कहता हूँ 12 से या 12 नंबर से कम वाले फेल हैं, बाकी सब पास हैं, तो 12 वाले रेड हो जाएं, पास वाले ग्रीन हो जाएं, ठीक है, और 12 वाले खुद जो है वो न्यूट्रल हो जाएं, या उसको हम लिखोगे बेयरली पास्ट, ठीक है, उसको मैं हाईलाइट कर दूं येलो कलर से, तो वो मैं कर सकता हूँ इजीली। कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर तक, ठीक है। इसी से आगे बस यहाँ तक ही हमने आज करना है, और ना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका ये वाला चैप्टर हमने खत्म करना है, और लास्ट लेक्चर होगा ये आपका ऑनलाइन, उसके बाद इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लासेस स्कूल में। अब ये मेरे से ना पूछेगा सर कैसे होगा क्यों होगा, ये आपको बता दिया जाएगा मैसेजेस में। बहरहाल ये आप इधर इस पे ध्यान दें, अभी आप देखें अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाटा के अंदर गया, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर ढूंढते डाटा वैलिडेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है डाटा वैलिडेशन, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सेटिंग्स में आ गया कि डाटा वैलिडेशन, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एनी वैल्यू होल नंबर डेसिमल लिस्ट डेट टाइम कस्टम लेंथ कस्टम कर दें आप, ठीक है। कस्टम के अंदर फार्मूला आएगा, होल नंबर लिखना है तो बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ वैल्यूज आपने लिखनी है बिटवीन टू वैल्यूज वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर एनी वैल्यू आप लिख देते हैं यार लड़, अच्छा इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिस तरह हमने वो बात की थी, आई एक्स ए, दूसरे में आई एक्स बी, अब मैं यहाँ पर नीचे करूंगा तो सी आ जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं आया ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया, डाटा वैलिडेशन में आया, यहां पर मैं कर देता हूँ इक्वल, ओके और हम बात करते हैं इसकी डाटा वैलिडेशन में, हमने थोड़ा सा एक इसमें नहीं हो रहा, एनी वैल्यू करना है, एक मिनट डाटा वैलिडेशन में गए, अच्छा अब यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि लगता है या नहीं, यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं, ISD लिखा जा रहा है। बहरहाल मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इसकी चीज नहीं हो रही मेरे पास। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं एज ए जी, और यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कि जो फर्स्ट जितने भी हैं यहां पर डाटा वैलिडेशन मैं लगाऊं, और यहां पर आ गया मैं लिख देता हूं डेसिमल या होल नंबर लिखते चले, बिटवीन लिख देता हूं 10 से 20 तक, 10 से 20 तक। अब इससे अगर मेरा ऊपर आ जाए तो एक एरर आ जाए, स्टॉप हो जाए, एरर मैसेज आ जाए, नंबर इनवैलिड, ठीक है, यहां पर एरर मैसेज आ जाए, यहां पर आ जाए लिखा हुआ ऊपर वार्निंग, ओके कर दे। अच्छा अब इन इन जगहों पे डाटा वैलिडेशन लग चुकी है, अब मैं देखें 10 लिखता हूं, ठीक है जी, लेकिन मैं जो ही 9 लिखूंगा ये देखें उसने क्या बता दिया कि नंबर इनवैलिड वार्निंग दे दी, रीट्राई करना है रीट्राई कर दे, कैंसिल करना है कैंसिल कर, ठीक है रीट्राई करूंगा 12 लिख दूंगा ठीक हो जाएगा, ठीक है 20 से ऊपर चले जाए 21 कर, जो ही मैं एंटर करूंगा आपके साथ एक वार्निंग आ जाएगी कि नंबर गलत है, नंबर ठीक नहीं है, दिस इज कॉल्ड
द डाटा वैलिडेशन। ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ये डाटा वैलिडेशन वाली फाइल लग जाए। डेट नहीं होगा, लिस्ट। अब यहाँ पर अगर मैं आई एक्स डी लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? यहाँ पर आई एक्स ए लिखूंगा तो लिखा जाएगा। अच्छा, इसको मैं अब दोबारा समझा देता हूँ। एक मिनट बच्चे, आपका मैं जरा बंदोबस्त करता हूँ। किधर गया? जी कोई मसला है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगानी है फरवरी में, ठीक है। फरवरी की जगह मैं लिख देता हूँ क्लास सी एल ए डबल एस, ये क्लास है बेसिकली, ठीक है। अब क्लास मुझे सिर्फ नाइन्थ ए बी सी के अलावा कोई और क्लास नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाले तीन सेल मैंने सेलेक्ट किए, उसके बाद मैं चला गया डाटा वैलिडेशन पर। ये डाटा वैलिडेशन का आइकन है, इसके ऊपर मैंने कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब देखें, लिस्ट मैंने बनाई है नीचे कौन कौन सा डाटा वैलिड होना चाहिए, आई एक्स ए, आई एक्स बी, आई एक्स सी। इसके अलावा कुछ और मैं डाटा लिखूंगा वो गलत हो जाना चाहिए, इसके अलावा कोई और गलत, ये वाला डाटा सिर्फ लिख सकता हूँ, इसके अलावा डाटा नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने डाटा वैलिडेशन में क्लिक किया, अलाउ मैंने क्या करना है, लिस्ट, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है शुरू की, ठीक है, और ओके कर दें। ये सॉरी, सोर्स पे जाएं, सोर्स के साइड पे एक राइट क्लिक बना हुआ है, या फिर आप सीधा सीधा इसी को क्लिक कर दें, सोर्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने तीनों सेलेक्ट की और ओके कर दिया, ठीक है। ये छोटा सा एक एरो आ जाता है कि आपको पता है कि ये तीन, इन तीनों के अलावा कोई और डाटा वैलिड नहीं होगा, इन तीनों में से कोई आप सिलेक्ट कर लें, ये देख लें। इस वाले इस पे गए, बी कर दिया, इस पे एरो आ जाता साइड पे छोटा सा, सी आ गया, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, दोबारा मैं ये कर दूं, ठीक है। अब ये बता रहा है कि इन तीन डाटा के अलावा आप कोई और डाटा एंटर नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई और अगर डाटा आपने एंटर कर दिया तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। इस सी की जगह देखें, बी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मैं डी लिख देता हूँ। जी मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन, ठीक हो गया, तो वो डाटा नहीं लेगा। समझ आ गई इस चीज की डाटा वैलिडेशन? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हम अब बात करते हैं प्रोटेक्टिंग वर्कशीट। अब प्रोटेक्शन किस तरह करनी है इसकी, जो फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, अभी मैं देखे ना यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी लिखना चाहूँ। ये देखे एज के नीचे मैं 12, 13 लिख दिया, 14 लिख दिया, ठीक है, वो तो चले गलत हो गया क्योंकि 114 तो नहीं है, 14 तक 20 से ऊपर की वैलिडेशन लगाई मैंने। अच्छा, अब मैंने इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर पासवर्ड लगाना है, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ देख सकूं उसको, मैं कोई दूसरा इसको इसके ऊपर लिख ना सके या इसको एडिट ना कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाना है आपने, रिव्यू में। रिव्यू टैब है ऊपर, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, फिर उसके बाद आता है रिव्यू यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा चेंजेस के अंदर प्रोटेक्ट वर्कशीट, अब उसके ऊपर गए प्रोटेक्ट वर्कशीट। अब यहाँ पर आपका ये सारे के सारे चेक बॉक्स आए हुए हैं कि सिलेक्ट लॉक सेल, अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल, जितने भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सारे के सारी चीजों सेलेक्ट कर देता हूँ, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ देख सकें, कुछ भी ना इसको चेंज ना कर सकें, सॉर्ट भी नहीं कर सकते, ऑटो यूज फिल्टर भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और पासवर्ड मैंने ऊपर लगा दिए, कुछ मैं 123 लगा रहा हूँ ताकि ईजी रहे समझने के, मैंने कर दिया ओके, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड 123, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने लगूंगा, अभी देखें मैंने कोई 123 एंटर किया तो लिखा हुआ है कि यू आर ट्राइंग टू चेंज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, ठीक है। फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा कि अनप्रोटेक्ट शीट करने के लिए, अभी देखें पासवर्ड मांगना है यहाँ पर रिव्यू के अंदर ही अनप्रोटेक्ट के नाम से। अब जहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कशीट थी वहीं पर अनप्रोटेक्ट शीट का अब आइकन बना आ गया,
अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ तो मैं पासवर्ड लेकर 123 ओके किया, अब ये अब मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ वैल्यूज, देख रहे हैं समझ आ रही है इस चीज की। इसका ये मतलब है अगर मैं पासवर्ड लगा दूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसको देख सकता हूँ, ये इसको मैं चेंज नहीं कर सकता जब तक कि मुझे पासवर्ड नहीं पता। तो ये इस चीज़ की बड़ी ये बड़ा काम आता है कंपनीज के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक डाटा बनाते हैं, ठीक है, कोई सेल्स फिगर बनाते हैं, तो आप एक्सेल के अंदर जब बनाएंगे तो जब किसी कंपनी को या किसी क्लाइंट को भेजना होता है तो आप शीट को प्रोटेक्ट करके या वर्कबुक को ही पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करके तो भेजते हैं, ताकि क्या हो कि जो नेक्स्ट पार्टी है उसको चेंज ना कर सके, उसको अपनी तरीके से अपनी तरफ से बना कर। तो या फॉर एग्जांपल आपने कोई फार्मूलाज वगैरह लगाए हैं और आप चाहते हैं कि वो किसी को नजर ना आए या किसी को पता ना चले कि ये वाला फार्मूला मैंने लगाया हुआ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं वर्कशीट को या कुछ कॉलम्स को आप प्रोटेक्ट कर ले ताकि वो आपको दिखाए ना, फार्मूलाज ही ना बताएं, ठीक है। कुछ होता है ना कि आप चाहते हैं कि ये वाले फार्मूलाज हैं, मैंने इस फार्मूले से काम किया हुआ है या मेरी प्रोडक्शन के फार्मूलाज ये हैं, आप चाहते हैं कि ये वाले फार्मूला किसी को ना पता चले, तो आप क्या कर लें शीट को प्रोटेक्ट कर, ठीक हो गया। अब आ जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो मजे की चीज है जो जिसको हम कहते हैं। अच्छा 10 12 13 मैं इधर नंबर्स लिख देता हूं काफी सारे, यहां पर लिख दिया 18, यहां पर मैं लिख दूंगा 9, इधर लिख दिया 6, इधर लिख दिया 5, इधर लिख दिया 1, और आगे 20 से ऊपर चले जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूं, यानी कि मैं अगर चाहता हूं कि जो ये 28 30 तक फॉर एग्जांपल नंबर है, ठीक है, 0 to 30 नंबर्स है मेरे पास, यहां पर मैं इसको होम में जाके इसको मैं कलर कर देता हूं, ठीक है, 0 to 30 नंबर्स हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो फेल वाला है वो है, फेल वाला बंदा मैं कह देता हूँ 14 वाला फेल है, ठीक है, 14 वाला फेल है, उससे ऊपर सारे पास हैं, ठीक है, पास 15 वाला है, ठीक है, और उससे ऊपर वाला वेरी गुड वेल है, ठीक है, फेल वाला 14 है, इसको मैं कर देता हूँ बैड या रेड वाला, पास वाला कर देता हूँ न्यूट्रल 15, और उससे आगे गुड है, गुड को मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन, सॉरी ऊपर लिख दो ग्रेटर देन 15। मतलब मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्राइटेरिया लिख के बता रहा हूँ कि ये वाले कलर होने चाहिए, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जितना भी मेरा डाटा मैंने लिखा हुआ नंबर्स का, इनको मैंने क्या कर दिया सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में चला गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवर कर दिया क्लिक। अब देखिए इसके ऊपर बहुत सारी चीजें है कि हाईलाइटेड सेल रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन स्केल्स, मैं क्या कह देता हूँ कलर मैच चाहिए, ठीक है। अब मुझे, अब मैं अगर खाली कलर स्केल लगाता हूँ कोई भी ऐसे कलर लगा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अब रेड से लेकर ग्रीन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, सबसे ज्यादा कम जो भी होगा 1 रेड होगा, सबसे ज्यादा वाली वैल्यू ग्रीन होगी, उसके बीच में फिर वो कलर चेंज होते जाएंगे, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि ग्रेटर देन वाली वैल्यू पे लगा देता हूँ, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 15, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 15 है तो मैं इसका कलर क्या रचाता हूँ कि ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट लगा देते ताकि फिल कौन सा हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए, ऐसा ऐसा कलर नजर आना चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ ओके ओके, सॉरी ये पूरे कवर फॉर्मेट करना मैंने किया नहीं फॉर्मेट, ठीक है, ग्रेटर देन 15 और ग्रीन कलर कर देते चले ओके। अब देखिए ग्रेटर देन 15 जितने भी वो सारे के सारे ग्रीन हो गए, 16 18 20 23 ये सारे के सारे अब हो गए ग्रीन। अब मैं दोबारा से इसी के ऊपर एक और कंडीशन भी लगा सकता हूँ दूसरी। अब लेस देन पे मैं आता हूँ, लेस देन अगर 14 है, मतलब सॉरी लेस देन 15 है क्योंकि 15 नहीं आएगा, लेस देन 15 है तो रेड हो जाए, ये देखें 15 से जितने भी नीचे आ रहे हैं वो सारे के सारे इक्वेशन, सारे की सारी वैल्यूज कम हो गए, और 15 वाला खुद बजाते खुद येलो हो गया,
ठीक है, दोबारा से अगर मैं चाहता हूँ कि इक्वल टू वाले को करें तो हाईलाइट सेल रूल्स पे आके इक्वल टू पे जाके 15 अगर कर दें आप, 15 पे आप चाहते हैं कि येलो हो जाए, ग्रीन येलो, ओके। तो ये देख लें, अब इसी के ऊपर तीन फॉर्मेट्स या तीन कंडीशंस लग चुकी हैं, कौन कौन सी, कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 15 द सेल शुड बी ग्रीन, इफ इट इज लेस देन 14 देन द सेल शुड बी रेड, इफ इट इज 15 देन सेल्स आर ग्रीन येलो। अब देखें मैं 6 को मैं क्या कर देता हूं, 15 कर देता हूं, अब देखना ये ऑटोमेटिकली येलो हो जाएगा, पूरी देख रहे हैं ये येलो होगा, इसको मैं दोबारा से 6 पे ले आता हूं रेड हो जाएगा, मैं इसको 15 कर देता हूं ये येलो हो जाएगा, इसको मैं दोबारा से 26 पे ले जाता हूं ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी रेड को ग्रीन करना चाहता हूं, ये 14 है, 14 को मैं अगर ग्रीन करना चाहता हूं, 15 पे येलो है, 16 पे ग्रीन है, 17 कर देते चल इसको, इसको मैं 17 कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगी हुई है क्यों, चूंकि तो जो ही आप एंटर करते जाएंगे डाटा तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंजेस उसी हिसाब से आती जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये है, यानी कि मैंने वो बुक्स के अंदर तो मेरे ख्याल से आपको बताया गया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ कुछ चीज़ों की बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो डाटा है वो 20 से कम है या 26 से कम है, कितने से कम है मुझे बताया है इसमें 33, अगर 33 से वैल्यू कम है तो रेड हो जाए, बाकी सारा ऐसे ही रहे, ठीक है। तो वो सिर्फ उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन वाली लगी, अच्छा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अगर एडिट भी करनी हो और प्रोटेक्ट भी, लेकिन कुछ कुछ एडिट करना है परमिशन मिले, हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीजें आप एडिट कर सके लेकिन जहां पर आपको थोड़ा सा सेंसिटिव डाटा है वहां पर प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, रिव्यू में जब जाके तो प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तो ये देख रहे हैं बहुत सारा अलाउ यूजर्स टू वर्सीडीएफ, बहुत छोटा छोटा सा लिखा नजर नहीं आ रहा होगा आपको, तो उसके अंदर आप चाहते हैं कि ना रोज कॉलम को फॉर्मेट आप कर सकते हो, इंसर्ट कॉलम इंसर्ट रोज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इजीली इंसर्ट हाइपरलिंक, ये देख रहे हैं ये सारी की सारी चीजें आप अलाउ कर सकते हैं। अगर आप मैं किसी चीज के ऊपर भी नहीं करता तो ये हो जाएगा। अब आप कुछ सेल्स को लॉक कर सकते हैं, कुछ सेल्स को अनलॉक कर सकते हैं। किसी सेल्स को अगर आप लॉक कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो वाले सेल्स उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बाकी सबके सब सेल्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा है ज्यादा लती, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये सारे के सारे चेक कर दूंगा तो आपकी पूरी की पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे अलाउ हैं, यानी कि अलाउंस मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर मैं इसके ऊपर चेक करके ओके कर दूंगा तो आप हाइपरलिंक इंसर्ट नहीं कर सकते, बाकी सब काम कर लेंगे लेकिन इंसर्ट हाइपरलिंक्स नहीं कर सकते। उसी के नीचे डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम्स हैं, उसे ये अगर पूरा पूरा कॉलम पूरी पूरी रोज आप डिलीट नहीं कर सकते, या इंसर्ट कॉलम इंसर्ट रोज आप अगर मैं उसके ऊपर चेक कर दूं तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो आप ऐसे कर सकते, इसको मैं कर देता हूं जी। एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग टू आर लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमने इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करना है और अगला है उर्दू वाला, उर्दू एडिटर काफ़ी कितना 300 से 400 सफ़ों का, वो हमने कोशिश करनी है कि एक ही लेक्चर में हम उसको ख़त्म कर दें। थोड़ा सा माइंड में आके आइएगा क्योंकि हमने थोड़ा सा स्पीड में निकलना है। बेसिकली ये हमने जितना भी पढ़ लिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ लिया है, तकरीबन उसी तरह का ही है, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इसी वजह से जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं उस पर थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, जो चीज़ें सेम है उसके ऊपर मैं स्किप कर दूंगा, यानी कि जल्दी जल्दी उसको समझा के आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा माइंड ना के आइएगा इस चीज़ में, और इसी चैप्टर में से आप लोगों का टेस्ट बनेगा और बी प्रिपेयर्ड, और आपको स्टेप्स आने चाहिए सारे के सारे, कि अगर मैंने कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, कोई फार्मूला डालना है या कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, याद होनी चाहिए।
ठीक है, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। Any questions? If no, please type no. Okay, I think you don't have any questions. So we'll end our class here. क्वेश्चन आया हाइपरलिंक का क्या बात, हाइपरलिंक का प्रैक्टिकल मैंने कराया था, आपने मैंने करवाया था वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कराया था, ये तो वो है ना एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें भी हाइपरलिंक करवाया था, इंसर्ट में जाके मैंने हाइपरलिंक डाला था, याद हो आपको, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं हाइपरलिंक, यहाँ पर ये ऑप्शन है इंसर्ट, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, ऊपर टेक्स्ट टू डिस्प्ले और नीचे आप उसका एड्रेस लिखते हैं www.google.com लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले कर दें हियर, तो वो हियर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइपर लिंक खुल जाता है, वो मैंने आपको कराया था, तीसरा फॉर एग्जाम्पल HERE यहाँ पर मैंने लिख दिया हियर, एड्रेस मैं लिख देता हूँ www.google.com, इसको मैं लिख देता हूँ ओके। अब ये देखें हेयर यहाँ पर आ गए, मैं इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो गूगल खुल जाएगा, अभी आप गूगल इधर खुल गया है लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्क्रीन से हेयर यही कराई हुई है, ठीक हो गया, ये देख रहे हैं हेयर यहाँ पर, बस इतना सा हाइपर लिंक करता है, इतना जी बच्चे क्वेश्चन करें, ठीक है बच्चे, फिर क्लास का टाइम खत्म हो चुका है हमारा, सो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।